म्यूजिक सिस्टम, मतलब ये गाड़ी के अंदर जो भी है ना, कोई ड्राई क्लीन नहीं है, छत वगैरह इसकी क्वालिटी है जो सारी की सारी जेन्युइन है, कुछ भी नथिंग इंस्टॉल्ड आफ्टर मार्केट, गुड कंडीशन कार। और इसकी जो प्राइसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 7,15,000। तो ऐसा लगता है कि भैया अमरूद के पेड़ में अमरूद ही नहीं है। सारथी के वीडियो से फॉर्चूनर बहुत ज्यादा सेल है, बेस्ट सेलिंग कार सारथी के चैनल से जाती है। प्राइस इसका बहुत कम है, सिर्फ 7.5 लाख। 7.5 में सिंगल ओनर रहेगा, ये सिंगल ओनर है। क्यूत्री की बात करूँ, सुना भैया आप 10 लाख से नीचे गाड़ी देखा। हाँ, इसकी खासियत है ये 13 मॉडल में सिर्फ 48,000 सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली। तो अगर कोई व्यूअर हमारा बाहर से कॉल करता है, कोई अदर स्टेट से कॉल करता है और लेने गाड़ी लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो क्या आप वीडियो कॉल करके उसको गाड़ी दिखा सकते हो? वीडियो हम बना के भेज देते हैं और सिर्फ 8,000 का डीजल डाला था, मेरे हिसाब से 22-23 की एवरेज ही देगी। अरे वाह, कमाली हो गई। 11.25 लाख रुपए भैया आपको ये नंबर साथ में मिल रहा है, क्योंकि 0072 नंबर है, नंबर की वैल्यू रखती है। कि क्या देख रहा हूँ मैं, 0005। नहीं ये नहीं, ठीक प्राइस इसका 6,90,000। और ये वाली HR265399 ये भी 6,90,000 रुपए। हेलो एवरीवन, दोस्तों क्या रेडी हो आप आज सरोजनी नगर की गाड़ियाँ देखने के लिए? अरे भैया सरोजनी नगर में कपड़े नहीं मिलेंगे, गाड़ियाँ भी बहुत सस्ते सस्ती मिल रही हैं, तो यही सस्ता दिखाने के लिए आज मैं आया हूँ बिग राइड्स पे। और गाड़ियाँ यहाँ पे इतनी जेन्युइन मिलने वाली है, इतनी बढ़िया मिलने वाली है, आपको किसी का संदेह नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए कि भैया गाड़ियाँ कैसी है और डीलर कैसा है। और अभी तक आपने सारथी की वाइंस फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अब हमारे पास है संदीप भैया। कैसे हैं ब्रो? बहुत बढ़िया सी, आप बताएं आज क्या खास? इतना बड़ा लाइनअप इधर भी है हमारे पास, फॉर्च्यूनर का लाइनअप है, ऑडी A8L भी है, Q3 का छोटा सेगमेंट भी है। सर आज का खासियत ही खासियत है जी, सबसे कम मिलने वाली 2016 की ऑटो 4x4 फॉर्च्यूनर आई है, बहुत सुंदर फ्री लैंडर आई है, वाह डिस्कवरी 4 आई है जी, बहुत ही प्रीमियम हाई प्रीमियम कार A8 लग्जरी आई है, L आई है, कम चली हुई BMW 525 आई है जो 12,000 किलोमीटर चली है जी, सारा कुछ ही खास है। अब ये बता दो, पूरा भारत छोड़ के, दिल्ली छोड़ के, सरोजनी नगर में बिग राइड्स क्या खास दे रहा है कि लोगों का विश्वास बन रहा है और लोग बैक टू बैक कार यहाँ से ले रहे हैं? सर खास ये है कि पैसा बहुत ही बंदा मेहनत से कमाता है अपना, बिल्कुल कमाता है, ठीक है, और जब उन्होंने कुछ प्रीमियम में जाना होता है तो दाएं बाएं से भी पकड़ता है पैसा, फाइनेंस भी करवाता है जी। उसमें हम हल्की चीज दे दे बंदे को, फैमिली के साथ जा रहा है, रास्ते में रुक गई उसकी कार जी, तो वो बहुत बददुआएं देगा। तो हमारी गाड़ी की क्या गारंटी है कि भैया हमारी गाड़ी अच्छी है? सर बहुत ही ज्यादा बैड लक हो जाए तो गाड़ी खराब हो सकती है, बहुत ज्यादा जी। वैसे हमारी जो टीम है, वैसे पहले तो हम जो परचेज करते हैं रिकॉर्ड वाली, एक छोटा सा इंटरनल क्वेश्चन, क्या अब तक ऐसी कोई शिकायत आई है कि भैया इसमें कस्टमर परेशान हुआ हो? सर एक बार आई थी परेशानी वाली, मैं बताता हूँ उसमें भी क्या आया था, फ्रंट शीशा पर जरा सा इतना सा क्रैक था वाइपर के नीचे वाली साइड, ये तो कोई बात नहीं था, बस हमारे बड़े से बड़ा वही आया हमारे पास। एग्रेसिव कंप्लेंट जानने की तो भैया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ऊपर कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। ओके मैं स्टार्ट करूंगा आज, मेरे पास यहाँ पे फॉर्च्यूनर भी दिख रही है, ये ऑटो है मैंने बोला, ये ऑटोमेटिक है। मेरी बात एक मिनट पूरी मैं रह गई थी, वो जो बंदे का पैसा वैल्यूएबल लगा है, फैमिली के साथ जा रहा है, रास्ते में खराब होगी बहुत बददुआएं देगा। हम ध्यान रखते हैं इस चीज का कि जब हम गाड़ी परचेज करते हैं, हम खुद जाते हैं कस्टमर के पास, प्रोफाइल चेक होता है, शोरूम का रिकॉर्ड चेक करते हैं, फिर गाड़ी परचेज करते हैं, उसके बाद जो भी कमी पेशी है हमारे जो लड़के हैं पूरी इसको चेक करते हैं, एक भी दो पैसे का काम जो होता है वो हम पेंडिंग नहीं छोड़ते, पूरा करवा के। मतलब अगर कस्टमर को यहाँ गाड़ी लेके जाता है, हाँ, कुछ नहीं करवाना, सिर्फ डीजल डालना है, मतलब 10 रुपए भी नहीं लगाने, नहीं लगाने भैया, डीजल में पैसे लगाना, सिर्फ नाम कराने पे जो खर्चा आता है वो भी आप दे देते हो? नहीं, एनओसी का खर्चा कस्टमर का होता है, ओके, हाँ, परचेजर का होता है। चलो अब स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि मैं तो इधर भी गाड़ियाँ देख रहा हूँ, उधर भी गाड़ी देख रहा हूँ, सामने भी गाड़ी देख रहा हूँ और उससे आगे भी गाड़ियाँ देख रहा हूँ, सर जहाँ से मर्जी करो, सारी की सारी सस्ते से बताओ भैया, आज मैं ये सस्ती चीज दिखा दूंगा, मार्केट से अच्छी और सस्ती। शुरुआत हम इधर से कर लेते हैं, आ जाइए, अब तो लाइक कर दो, सारथी की वाइंस को फॉलो कर दो, अब तक वीडियो में बने हुए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बात हो रही है हमारी ऑडी, ये ऑडी है जी, कम पैसों में कम चली हुई कार जी, 2013 की रजिस्ट्रेशन है इसकी जी, चली 65,000 है, ओनर सीरियल इसका 1 है, ओके, बहुत अच्छी कंडीशन में कार है, और जो इसका प्राइस है
वो प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो इसका प्राइस है जो 7,90,000 7,90,000 में ओडी A4 जी 2013 की रजिस्ट्रेशन। डीजल में रहेगी? डीजल में रहेगी। गाड़ी अच्छी रहेगी सर? वेरी गुड क्वालिटी सर, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो भैया क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हमारे व्यूवर्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी सर। हम अच्छे अच्छे डीलर्स की वीडियो बना रहे हैं जी, बिल्कुल। अगली गाड़ी की बात करता हूँ, ओडी है, ओडी A8 है, एल है, A8L 4 सीटर। बाहर से इसको छोड़ दो, अंदर बैठ गए तो समझ लो जन्नत की फील आएगी आपको। इसके ऊपर एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया जो कि मैं साथ ही 2.0 पर डालने वाला हूँ एक दो दिन के बाद, वो चेक कर लेना। बहुत ही ज्यादा संभली हुई कार है जी, ऑल सर्विस शोरूम मेंटेन है ये जी, वेरी वेरी गुड क्वालिटी कार है। एक बार मैं अंदर से गाड़ी दिखाना चाहूंगा। हाँ जी दिखा दीजिए। की सीटों की क्वालिटी है, जो इंटीरियर की क्वालिटी है, हमने इसको ड्राई क्लीन नहीं करवाया है, ये एज इट इज नेचुरल ब्यूटी है। बहुत ही ज्यादा संभली हुई कार है ये। मून रूफ, एम्बियन लाइट, ठीक है, फ्रिज, मसाजर, ठीक है। अच्छा मसाजर भी दिए गए? हाँ, बॉस का सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, मतलब ये गाड़ी के ना जो भी है ना, कोई ड्राई क्लीन नहीं है, छत वगैरह इसकी क्वालिटी है जो सारी की सारी जेन्युइन है, कुछ भी नथिंग इंस्टॉल्ड आफ्टर मार्केट, बिल्कुल न्यू कार है। तो भैया इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियां मिल जाए, ऑडी A8 मिल जाए, लेकिन भैया इसकी ना डिमांड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि गाड़ी ना 1 करोड़+ की गाड़ी है जी। बहुत अच्छी कार है ये जी। प्राइस इसका उस टाइम तो आज हम क्या प्राइस रखेंगे? बहुत कम, 17,90,000 रुपए। 17,90,000 में ये जी, 13 की रजिस्ट्रेशन। और इसमें खासियत है ये जी, ये फुली लोडेड है और ऑडी की ये टॉप सेगमेंट कार है। वेरी गुड यार, 2013 मॉडल करोड़ों की गाड़ी, हमें 17,50,000 में कर रहे हैं इसको। कोई बात नहीं, भाई ने बोल दिया तो कर दें। 17.50 लाख में भैया आपको ऑडी A8L मिल रही है। अच्छा भैया एक क्वेश्चन तो मेरा रह गया जी, गाड़ी तो हमने दिखा दी, हाँ। पीस कितने पेंट मिलेंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी होती है सर। ऑलमोस्ट ओरिजिनल है जी, बंपर पे हल्का फुल्का स्क्रैच, बंपर छोड़ के हाँ, बस बाकी सारी ओरिजिनल पेंट, बाकी जितने भी लोहे का पीस है सब कुछ ओरिजिनल रहेगा, बिल्कुल गारंटी रहेगी सर। कुछ मैं इसका, आप अभी आइए आज ये जी, ठीक है, हमारा इंस्पेक्शन बाकी है, बट जो लग रहा है सारी एक्सीडेंटल की पीस चेंज की गारंटी रहेगी, मिलने वाली है। हाँ। अगली गाड़ी की 5115 नंबर है, कौन सी ऑडी? ये ऑडी A6 है जी, ये मॉडल है इसका 2013 जी, वेरी गुड कंडीशन कार है। डीजल में रहेगी A6 रहेगी। ओनर क्या रहेगा? ओनर इसका सिंगल है और किलोमीटर इसके शायद 67,000 है, ठीक है, गुड कंडीशन कार है जी। और जो इसका हमने प्राइस रखा है वो 9.25 लाख रुपए। मैट्रिक्स वाली है? नहीं मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स नहीं, नहीं। मैट्रिक्स कितने की रहती होगी? मैट्रिक्स की सर रेंज जैसे 15 मॉडल है तो वो 16-16.5 लाख में पहुंच जाती है, ठीक है। अगली की बात करता हूं, ये Q5 है, Q5 ये 11 मॉडल है, ऑल इंडिया NOC हम इसकी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। Okay. प्राइस इसका बहुत कम है, सिर्फ 7.5 लाख रुपए। 7.5 में सिंगल ओनर रहेगा? ये सिंगल ओनर है। ओके, किलोमीटर की बात करूं? किलोमीटर अंडर 1 लाख। ये भी नॉन एक्सीडेंटल रहेगा? हाँ, गारंटी के साथ। ऐसे सारी नॉन एक्सीडेंटल? हाँ जी, हाँ जी, एक्सीडेंटल हम नहीं परचेज करते जी। Q3 की बात करूं, सुना भैया आप 10 लाख से नीचे गाड़ी दे रहे हैं। इसकी खासियत है ये 13 मॉडल में सिर्फ 48,000 सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली है। बहुत सुंदर, सिर्फ 48,000 किलोमीटर जी, ठीक है, गुड कंडीशन कार है, सारी की सारी कार बहुत बेहतरीन है। ओके, और इसकी प्राइसिंग है वो 9,90,000 की। 9,90,000 है भैया आपको Q3 सिंगल ओनर, सेकंड ओनर, किलोमीटर क्या बताया? किलोमीटर 48,000। डेंट पेंट कितना होगा? माइनर मींस माइनर है भैया, मेजर कुछ नहीं है। BMW 5 सीरीज की बात करता हूं, दबादब गाड़ी, ये ट्विन टर्बो इंजन वाली 13 की मॉडल की है ये। ओके, ये सिंगल ओनर कार है, 78,000 किलोमीटर चली है। ओके, और कहीं से कोई रीपेंट नहीं है ये, बंपर को छोड़ के गुड गाड़ी है। अच्छी अच्छी गाड़ी लेके कहां से आ रहे हो सर? हम क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में काम करते हैं हम, कम खरीदते हैं, कम बेच लेते हैं, बट कम्प्रोमाइज हम नहीं करते क्वालिटी के साथ। तो उसका प्राइस क्या रखा है? 13 मॉडल का प्राइस हमने रखा है इसका 12.25 लाख रुपए। 12.25 में 5 सीरीज जी, 520 डीजल में जी, डीजल में। ओनर? ओनर सिंगल रहेगी। अलॉय व्हील्स भी भैया अच्छे लगे हुए, टायर भी न्यू है इसके, सारी कार अच्छी है। X1 क्या ये 10 लाख से नीचे जा सकती है? कंफर्म आ जाएगी सर। मॉडल क्या रहेगा? ये 13 की मॉडल की है, न्यू शेप वाली, सनरूफ वाली है, सनरूफ कार है ये, 78-79 किलोमीटर चली है, 1000 किलोमीटर जी। सिंगल ओनर की कार है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, और जो इसकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी कुछ ज्यादा नहीं है, 9,40,000 में भैया आपको सनरूफ वाली BMW मिल रही है।
अपने प्राइवेट बैंक से जिसके पास पैसे कम होते हैं भैया फाइनेंस भी करा सकता है? सर फाइनेंस उसका लोकल बैंक पे डिपेंड है, हमारी तरफ से शायद अवेलेबल नहीं रहता। ओके अगली गाड़ी की बात करूं, ये भी X1 14 मॉडल है, ये भी सनरूफ है, व्हाइट कलर आ गया बहुत अच्छी कंडीशन में आ गई, 72,000 किलोमीटर ओरिजिनल चली आ गई, 2013 सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली है। ये 13 मॉडल है ना? नहीं 14 मॉडल 14 मॉडल है जी। और इसकी प्राइसिंग भी कुछ ज्यादा नहीं है, 9,90,000 रुपए है इसका, 9,90,000। अगर मैं एक और 5 सीरीज की बात करता हूँ, वो भी हमारे पास खड़ी है। कितनी 5 सीरीज है हमारे पास? 5 सीरीज हमारा ही सर फेवरेट है। हाँ। और बेस्ट सेलिंग कार है हमारे मैं कह रहा हूँ 5 सीरीज, कम से कम 5-5 गाड़ी तो रखते हो आप ज्यादा होती है जी। ओके ज्यादा होती है। ये कौन सा मॉडल है? ये 2013 एम स्पोर्ट्स है। एम स्पोर्ट्स जी, 14.25 लाख रुपए इसका प्राइस है। ओके और कार इज वेरी नीट एंड क्लीन कंडीशन, गुड कार। नहीं कुछ मैं डेंट पेंट की कुछ स्क्रैचेस की मैं बात करता हूं सर, बम्पर इसके रिपेंट हुए हुए हैं जी, ठीक है, बॉडी में कोई पीस इसका पेंट नहीं है जी, इसको लैब में आप चेक करवा सकते हैं। भैया देखो मैं हर वीडियो में पूरा गाड़ी नहीं दिखा पाता जी, मैं एक एक स्क्रैच नहीं दिखा पाता, एक एक डेंट पेंट या जितने भी मैं कुछ बात करता हूँ जी। तो अगर कोई व्यूअर हमारा बाहर से कॉल करता है, कोई अदर स्टेट से कॉल करता है और लेने गाड़ी लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो क्या आप वीडियो कॉल करके उसको गाड़ी दिखा सकते हो? वीडियो हम बना के भेज देते हैं। ओके ठीक है, वो अपनी गाड़ी वहाँ पे चेक करे, उसके बाद हम उसको रिटर्न में चीज़ें भेजेंगे जी, भी ये इतनी चली है, ये इसका पेंट है, पीस चेंज और एक्सीडेंटल रिकॉर्ड हम गाड़ियां खरीदते ही नहीं। 100% रिपोर्ट आप देते हो उनको? बिल्कुल उनको रिपोर्ट देंगे, उनके व्हाट्सएप पे चेक करेंगे, वो अपने लोकल शोरूम से चेक करवाएगा और फिर हमें टोकन मनी देके उनको आने की जरूरत तो नहीं। तो हम ये कह सकते हैं ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक एक मतलब के पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर रहेगा? सर काम क्रिस्टल क्लियर करते हैं, कॉमन मैन है ठीक है, बाय वेरी बैड लक कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाए कोई फर्क आ जाए, बट कोशिश होती है कि नहीं आए। तो भैया आप कुछ कहीं से भी दूर आते हो तो भैया के नंबर पे कॉल करके एक एक वीडियो बनवा सकते हो, मंगवा सकते हो, ताकि भैया आपको दूर से आने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा, जितनी मैंने आपकी गाड़ी देखी ना, कि कोई बंदा बाहर से आए लेने के मकसद से आए और खाली आ जाए, मुझे कभी नहीं जाता। बल्कि हमारी डिटेल पे वीडियोस मंगवाते हैं कार की, पूरी रनिंग की कंडीशन सारी मंगवा के, कस्टमर आता भी नहीं है और साउथ वाले कंटेनर पे लोड करवा के मंगवा लेते हैं। तो भैया ऐसे जिम्मेदार डीलर्स की हमें जरूरत है, ऐसे जिम्मेदार हमारे डीलर्स की वीडियोस के लिए जरूरत होती है, ताकि भैया हमारे व्यूवर्स को फायदा हो। अगली में 5 सीरीज की बात करूं, ये 2012 है जी, सेकंड ओनर 80,000 किलोमीटर चली है, 88,000। ओके और इसकी प्राइसिंग 9,90,000 रुपए है। एक आधा पीस इसका पेंट हो कोई हो, बट नो पीस चेंज और नो एक्सीडेंटल, वेरी गुड कंडीशन कार, सिर्फ 9,90,000। बहुत सुंदर, वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपका लाइक का थोड़ा मैं कहता ना उसका प्यासे होते हैं लाइक जी, जी, लाइक आ जाता ना तो हमें अच्छा लगता है। हाँ। तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करना। अगली गाड़ी की बात करूं, ये 7 सीरीज आ गई, 7 आ गई है। हाँ 7 सीरीज, वाह ये 7 सीरीज है, 2015 की है ये। ओके 73,000 माइल्स चली है ये, डैशबोर्ड काफी सुंदर लग रहा है, ये 10 इंटीरियर वाली है, फुली लोडेड है, रियर एंटरटेनर सारी की सारी सर, मतलब कार इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। ओके ठीक है, इसको मैं रिसेंटली चला के आया हूँ 1500 किलोमीटर और सिर्फ 8,000 का डीजल डाला था, मेरे हिसाब से 22-23 की एवरेज ही देगी। अरे वाह कमाली हो गई जी। कितने में देने वाले हो उसको? इसको देने वाले हैं सर हम सिर्फ और सिर्फ 22.5 लाख रुपए, 22.5 लाख रुपए में 7 सीरीज 2015 मॉडल जी। अगली गाड़ी की मैं बात करता हूँ, ये VIP नंबर है जो इसका साथ जाएगा, ये 2013 की रजिस्टर्ड है, इसकी हम सर्विस रिकॉर्ड की और पेंट की गारंटी लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशन में कार है ये जी, और 11.25 लाख आस्किंग है और HR रजिस्टर्ड जस्ट लाइक शोरूम कंडीशन। कौन सी है ये? 520D जी। ओके फाइनल प्राइस 11.25 लाख रुपए, 11.25 लाख रुपए में भैया आपको ये नंबर साथ में मिल रहा है, क्योंकि 0072 नंबर है, नंबर की वैल्यू रखती है जी, हर आदमी अपना नंबर रिटेन करता है, सोचता है यार मेरे नंबर की वैल्यू बनी, ये साथ पहचान बनी हुई। अगली गाड़ी की बात करता हूँ, ये आ गई सर, जो मेरी जितनी कारें खड़ी हैं सबसे परफेक्ट कार, मतलब जैसे उड़की परी का देते हैं, इसका रीजन मैं बताता हूँ जी, ये कस्टमर ने ले ली और खड़ी कर ली, चलाई नहीं, इसके सारे टायर साथ के हैं, कुछ भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल नहीं है, गारंटी है मीटर की, गुड रीपेंट की जी। न्यू कार 13,000 किलोमीटर, मॉडल 13,000, 2013 की रजिस्टर्ड, 525 रियर इंटरटेनर वाली, 525, 13,000 चली गारंटी के साथ। कितने रुपए में देने वाले उसको? सर इसको एक दाम, सिर्फ एक दाम 15,10,000। 15 लाख रुपए में आपको 13,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई। आप इसको ले ही यहाँ से रहे हो, बिग राइड से ले रहे हो आप इसको, आप फील कर सकते हो 13,000 किलोमीटर चली, शोरूम से ले रहे हो। क्या बात है, ऐसी वीडियो की भी जरूरत है हमें, ऐसी गाड़ी की भी जरूरत है। अगली गाड़ी की जैगुआर हमारे पास ब्लैक, ये 2014 मॉडल है सर, XF है ये जी,
सिंगल ऑनर 2.2 वाली है ये। नंबर कहाँ का रहेगा? ये नंबर दिल्ली रहेगा, सिंगल ऑनर रहेगी और चली 40,000 किलोमीटर है। 40,000 किलोमीटर चली हुई 2013 मॉडल, 14 मॉडल जी। डीजल में कितने रुपए में लेने वाले हो? बहुत ही कम प्राइस सर जी, 13,90,000 रुपए। 13,90,000 भैया XF मिल गए, सिंगल ऑनर। सिंगल ऑनर कार 40,000 किलोमीटर गारंटी के साथ। XGL की मैं बात करता हूँ, ये सर हमारी पंजाब रजिस्टर्ड कार है, 2012 मॉडल है ये। ओके, 70,000 गारंटी के साथ चली है, कोई एक आधा पीस इसका रीपेंट है, एक्सीडेंटल पीस चेंज की गारंटी है, कुछ नहीं है। ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे, जब भैया खुद बता देते हैं ना कि भैया इसमें एक पीस पेंट मिल जाएगा, दो पीस पेंट मिल जाएगा। कई डीलर ऐसे होते हैं, कस्टमर सामने भी खड़ा होगा, नहीं कहेंगे भैया मेरी गाड़ी की जिम्मेदारी है, भैया अच्छी गाड़ी है, ले जाओ बाद में फिर भैया। ना ऐसा कुछ कस्टमर बोलता है मेरी गाड़ी वापस लो फिर भैया बहुत पचेड़े पड़ते हैं, ऐसा मैंने बहुत जगह सुना भी। नहीं नहीं सर, हम रेपुटेशन के साथ काम कर रहे हैं, हम अपना प्रोफाइल ऊपर लेके जाएंगे, नीचे ले जाने वाला काम ही नहीं कर। ओके, तो इसकी क्या डिटेल रहेगी? ये 2012 की है, 70,000 किलोमीटर चली है और जो इसकी प्राइसिंग है वो सिर्फ 17.5 लाख है। XJL जी। अगली गाड़ी जैगुआर है, 2012 मॉडल जी, ठीक है, और इसकी प्राइसिंग कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10.5 लाख रुपये। 10.5 लाख रुपये जी। अगर मैं पहले फॉर्च्यूनर की मैं बात करता हूँ, हमारे पास फॉर्च्यूनर खड़ी है, फॉर्च्यूनर भैया सारथी अगर वीडियो दिखा रहा हो, फॉर्च्यूनर ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि भैया अमरूद के पेड़ में अमरूद ही नहीं है। सारथी के वीडियो से फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा सेल है, बेस्ट सेलिंग कार सारथी के चैनल से जाती है। इसकी खासियत है 16 मॉडल है। ओके, 16 मॉडल में क्या था कि न्यू शेप आ गई थी बाद में ये, लेकिन ओल्ड शेप है ये टाइप, इसको टाइप 2 कहेंगे हम। और इसमें खासियत ये है, 16 मॉडल अगर न्यू शेप में ढूंढने जाते हैं तो 23 लाख रुपए, 20 प्लस मिलेगी जी बिल्कुल, और यानी 20 से नीचे की मिल जाएगी। इसमें खासियत बताता हूँ, ये ऑटोमेटिक 4x4, 65,000 सर्विस रिकॉर्ड साथ चली, ब्लैक इंटीरियर वाली ऑटोमेटिक 4x4, यूपी रजिस्टर्ड 2016 आठवें महीने की कार। लाइट्स बिल्कुल न्यू पड़ी अब तक गाड़ी सर, गारंटी एक पीस पेंट है पूरी गाड़ी में, फेंडर बहुत सोना उसका हमने करवाया, फेंडर यानी कि ये वाला, कहीं से और पेंट हो, बीटर हो, बीटर रिकॉर्ड तो हमारे पास ही पड़ा है इसका, साथ है वो देंगे हम। रिसेंटली सर्विस होके आई है ये 60,000 पे, अभी चली है 65,000। ओके, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक 4x4, ऑटोमेटिक 4x4 कितने में देने वाले हो? प्राइसिंग इसका 17.90, 17.90, 17.5 सर ऑलमोस्ट फिक्स है, 10-15,000 लेस कर। चलो भैया कर लेना बीच में आके। ये गाड़ी की बात करो, ये 15 मॉडल है ये जी, ये सिंगल ऑनर कार है, 1.5 लाख किलोमीटर प्लस चली है ये। ओके, कहीं से कोई रीपेंट नहीं है, मीटर टेम्पर नहीं है इसका जी, 2015 सिंगल ऑनर एचआर रजिस्टर्ड, और इसका प्राइस हमने रखा 15.5 लाख। 15 लैंड रोवर की मैं बात करता हूँ, 90-51 ये सिंगल ऑनर कार है एचआर 26 की। कौन सी है ये? ये फ्रीलैंडर है, फ्रीलैंडर 2 है ये, गुड कंडीशन कार है, नो रीपेंट, नोट सारी की सारी परफेक्ट कंडीशन, न्यू टायर के साथ, ठीक है, और इसका प्राइस है 11.90, 11,90,000 में लैंड रोवर जी। अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी, डीजल की गाड़ी। अगली मैं बात करता हूँ, एंडेवर भी हमारे पास है, कि क्या देख रहा हूँ मैं, 0005 नहीं ये उतर गया भैया, नहीं इसको रख लो, रिटेन हो गया। अरे यार इसका नया नंबर आने वाला है, रिटेन हो चुका है। अगर हमारे व्यूअर को मिल जाता किसी को 0005 कितना अच्छा लगता सर? मिल जाता तो बिल्कुल बड़ी, पर ये बड़े महंगे नंबर होते हैं, कस्टमर उतार लेते हैं। हाँ जी, ये बोलियाँ लगती है, बोली लगती है बिल्कुल सर। ओके, मॉडल क्या रहेगा? ये मॉडल 19 रहेगा जी, 2.2 वेरिएंट है इसका, सनरूफ वाली है ये, ठीक है, सिंगल ऑनर कार है जी, और 75,000 किलोमीटर चली है ये जी, 19 का मॉडल है ये जी, और इसकी जो प्राइसिंग है बहुत ही कम है, 2850 है। अब मैं बात करता हूँ स्कोडा की, हमारे पास दो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन भैया अगर बिग राइड पे स्कोडा खड़ी है तो क्या खास रहेगा? सर खास रहेगा ये ना, इसके स्कोडा लवर बहुत हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में कार है, हाँ जी ठीक है, गारंटी के साथ चली है ये 90,000, वो भी 90,000, 88,000। ओके, ये 14 वो 13, ओके 13 करूँ गिन गिन के इंतजार। जी, ये दोनों सिंगल ऑनर की कारें हैं। ओके, 2013 और 14, ये वाइट वाली 14 है, 6,40,000 रुपया इसका प्राइस है, 6,40,000 जी, सनरूफ डीजल स्कोडा ऑक्टेविया। यस, अगली 13 मॉडल है जी, ये फिक्स प्राइस में 5,90,000, 5,90,000 जी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ऑटोमेटिक सनरूफ है दोनों ये। अच्छा, ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, डीजल है, अच्छी कार है ये, कह सकते हैं बिल्कुल सर, कह नहीं सकते है। अगली Q7 है जी, 13 की है ये। ओके, 2013 चली गारंटी के साथ, 65,000 किलोमीटर। और ओनर? ओनर इसका फर्स्ट रहेगा, डीजल में रहेगी, Q7 रहेगी ये, और 14,90,000 रुपए इसका ऑलमोस्ट फाइनल प्राइस है। ओके जी, मैं इसकी बात करता हूँ, मर्सिडीज, ये दो मर्सिडीज है हमारी, ग्लास टॉप वाली है ये जी, दोनों फुल रूफ कारें हैं ये। ओके, दोनों 13 की हैं। ओके, दोनों सेकंड ओनर है, ये 70-72,000 चली है, 80-82,000 चली है, और सी क्लास E250 ग्लास टॉप जी, ठीक है, और दोनों का प्राइस है
बराबर है दोनों का, 9,40,9,40 9,40,000 में 8-50 कोई सी भी गाड़ी आओ पसंद करो और छांट ले जाओ जी। लैंड रोवर एक और आ गई हमारे पास, डिस्कवरी फोर है ये जी। 2013 की रजिस्ट्रेशन है इसकी, न्यू टायरों के साथ बहुत परफेक्ट कंडीशन कार है ये। बिल्कुल परफेक्ट नहीं बोलेंगे इसको, न्यू कार लाइक न्यू कार बोलेंगे जी। बहुत अच्छी 24,90,000 रुपए में रेंज रोवर आपको डिस्कवरी 4 मिलेगी भैया। ऐसी ऐसी खतरनाक गाड़ी, एक बार इसका साइड पोज में दिखाऊंगा आप कहोगे वाकई में मजा आ गया गाड़ी देख के, गाड़ी की क्वालिटी देख के, गाड़ी की स्टैंडिंग देख के। भैया आप वीडियो को लाइक करने पे मजबूर हो जाओगे, नहीं किया तो मैं कह रहा हूँ कर दो, साथ को सब्सक्राइब भी कर दो। तो भैया अगली गाड़ी हमारे पास पजारो खड़ी है, 1, 2, 3 जी। कौन कौन से मॉडल है? 6 कारें थी, 3 गई, 3 रह गई। बिल्कुल ये 2013 की है जी, न्यू टायर्स है। इसमें खासियत है 80,000 किलोमीटर चली है। ओके, पिन पॉइंट निशानी है, इवन के आगे के फ्रंट बम्पर की भी हमारी रीपेंट की गारंटी अभी नहीं है। बिल्कुल जी। तो क्या प्राइस रहेगा? प्राइस इसका 690, 6,90,000। और ये 99 99 ऑल ओरिजिनल पेंट, 1,02,000 किलोमीटर चली, सिंगल ओनर की कार जी, गुड कंडीशन कार, 2013 सेम जी। ठीक, प्राइस इसका 6,90,000 रुपये। और ये वाली HR 26 5 3 9 9 ये भी 6,90,000 रुपये में, 2013 सेकेंड ओनर, गुड कंडीशन, गाड़ी बढ़िया मिलनी चाहिए बस सर, उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ये दे दो, ये क्रेटा डीजल है, पेट्रोल डीजल में है, 15 मॉडल है, SX है, ऑप्शनल नहीं है, SX चाबी वाली है ये। ओके, लाख के करीब 90,000 किलोमीटर चली है ये। ठीक है, सिंगल ओनर कार, गुड कंडीशन कार, और इसकी जो प्राइसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 7,15,000 रुपये है, ऑलमोस्ट फिक्स है ये। तो भैया इतने अच्छे अच्छे प्राइस क्रेटा का, यही प्राइस भैया मार्केट में काफी आपको ज्यादा मिलने वाला है, तो लाइक बनता है। ठीक है भैया, तो आज की गाड़ियां बड़ी अच्छी लगी, क्वालिटी गाड़ी की बड़ी अच्छी लगी, तो अब बारी आपकी है, आपकी पसंद की, आपकी ड्रीम कार को लेने का। बिग राइड से नंबर लगातार चल रहे हैं, स्क्रीन पर कॉल कीजिए और बोलो कि सारथी वीडियो देखिए ताकि आपको बेस्ट कार बेस्ट रेट पे मिल जाए। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर देना, अब तक वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और एक चीज़ और, सारथी की वाइंस फेसबुक पर जाओ फॉलो कर दो, वहाँ पर बड़ा अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है। बाय।